प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे के बाद इसी हफ्ते बिहार आ रहे हैं। वे बिहार विधानसभा के एक आयोजन में शरीक होंगे। यह आयोजन पटना स्थित विधानसभा परिसर में ही होना है। पटना में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात के इंतजामों में बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले SPG ने पटना आकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। प्रशासन की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री 12 जुलाई को 1.5 घंटे पटना में रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क बंद रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर विधानमंडल क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। SPG की टीम ने पटना पहुंचकर कार्यक्रम स्थल विधानमंडल परिसर से एयरपोर्ट इलाके की सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया है। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन के पहले हार्डिंग रोड की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। अपराह्न 4 बजे से प्रधानमंत्री के विदा होने तक हार्डिंग रोड की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। 12 जुलाई को संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क बंद रखा जाएगा। दोनों जगह सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान के समय एयरपोर्ट इलाके में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। शेष अवधि में घरेलू विमान उड़ान भरेंगे। हवाई यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो इसलिए राइडिंग रोड और एयरपोर्ट रोड में प्रधानमंत्री का कारकेड गुजरते समय ही कुछ देर के लिए बंद रखा जाएगा। विधानमंडल परिसर में सुरक्षा पास और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 48 घंटे पहले RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूर देनी होगी। विधानमंडल परिसर की ओर आने वाले मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। बेली रोड पर सामान्य रूप से वाहनों का आवागमन होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री के कारकेड का पूर्वाभ्यास रविवार को किया जाएगा। कारकेड में शामिल होने वाले वाहनों को कड़े सुरक्षा प्रबंध में रखने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लोग यहां दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।